हाय गाइस, दिस इज योर समीर कोहली सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट 12th मैथ्स के रिवीजन को लेकर। 12th मैथ्स की रिवीजन से पहले मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा SWOT, SWOT एनालिसिस। SWOT में S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, मैं कहां पे वीक हूं, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, ये तो मौका है यार, और T का मतलब होता है थ्रेट, थ्रेट मतलब इससे डर लगता है। तो आज मैं 2011 का पेपर डिस्कस करूंगा। जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, अगर आपसे वो हो रहा है आराम से तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो वो आपकी वीकनेस है। आपने उस क्वेश्चन को तो करना ही करना है, उसके कॉन्सेप्ट को भी तभी करना है जैसे मैं कहूंगा। प्लीज मेरी बात समझना। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, कुछ क्वेश्चन होते हैं बड़े आसान होते हैं, फटाफट से करो, जय माता दी। कुछ क्वेश्चन होते हैं डरावने, जिनसे एक्चुअली में डर लगता है। डर वाले क्वेश्चन में अगर आपको टी फॉर थ्रेट लग रहा है तो उन क्वेश्चंस को, उन कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से करना, तब इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में 2011 का कुछ क्वेश्चंस, इस बार वो 2021 में जो बच्चे पेपर देंगे उनका बोर्ड का कुछ पैटर्न में कुछ मार्क्स और कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए, तो वो टॉपिक्स मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। 2011 में क्वेश्चन नंबर 2 आया था, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आपसे ये हो जाता है बहुत बढ़िया, होने के बाद इसके बाद इसके ऊपर आप लिखोगे SWOT में से कोई एक लेटर, कि आपकी स्ट्रेंथ है ये टॉपिक, अगर आपकी वीकनेस है तो इसी टाइप के एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखे, खत्म कर दो फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, खत्म करो अगर ये टॉपिक आपका वीक है तो। नंबर टू में अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैट्रिक्स का है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स वाला। अगर इस टॉपिक में, ये टॉपिक बड़ा ईजी है, फॉर्म अ मैट्रिक्स 2x2 AIJ वाला, बट अगर किसी का वीक है तो वो आर्यस अग्रवाल ले। आर्यस अग्रवाल में इस टाइप के 15-16 क्वेश्चन है, वो कर लो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गणपति की जय जयकार। वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं कर रखा, उसकी वीकनेस है या डर लग रहा है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा बुक से बनाए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए इनवर्स निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का। मैं आपसे बोलूंगा अगर आप मेरी बात मानते हो तो 2x2 के साथ अभी के अभी एक 3x3 मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल देना। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन का बेसिक। इंटीग्रेशन का अगर ये क्वेश्चन आपके लिए वीकनेस है या डर लग रहा है, तो अभी के अभी सबसे पहले, अभी के अभी 10th के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज लिखो, 11th के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज लिखो, जब ये लिखो तब आगे बढ़ना। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हो, 7th क्वेश्चन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेस्ड। 7.5, 6 और 7 में कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर कोई बच्चा 7.5, 6 या 7 में वीक है तो वो फटाफट से पहले वो वाले फॉर्मूलाज लिखे और फिर ये वाला क्वेश्चन फाइनल आंसर तक लाना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो जीजा जी हैं, जीजा जी के बिना कोई भी फंक्शन पूरा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलिनियर वाला। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा ही आएगा। कोलिनियर 3 तरीके से किया जाता है, ढूंढो वो 3 तरीके और 3 में से 2 तरीके तुम्हें आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज, इनकी डेफिनेशंस वगैरह तुम्हें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इंटरसेप्ट फॉर्म वाली डेरिवेशन एक बार कर लेना, एक बार कर लोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन 12वां मैंने शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डाल दिया है, ये कोर्स में नहीं है बट डिफरेंशिएशन में ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। 10.3 है जो डिफरेंशिएशन की थर्ड एक्सरसाइज है, अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में दिक्कत है तो वो फटाफट से कर लेना। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूटी वाला। कंटिन्यूटी में के की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी, अभी के अभी बैठो, अगर ये वीडियो ईमानदारी से देख रहे हो तो वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ ए निकालने वाले 7 क्वेश्चन अभी के अभी बनाओ। कहां से मिलेंगे, एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं, 5.2 के अंदर वैल्यू ऑफ के निकालने वाले 5-7 क्वेश्चन है, और अगर आर्यस अग्रवाल से बना लोगे तो दुनिया में कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। नेक्स्ट मूव करते हैं डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अगर तुम्हारा डाउट है ये दोनों और वाले, तो अभी के अभी इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी में 5.4, 5, 6, 7 अभी के अभी करो अगर ये टॉपिक तुम्हारा वीक है, इसको वीक से स्ट्रेंथ में तुम्हें कन्वर्ट करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरे पास आता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। जब भी ये वीडियो देखो, 2 दिन छोड़कर एक दिन पढ़ो, फिर 2 दिन बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का एक क्वेश्चन मेरा हर बच्चा करेगा।
अगर आ रहा है, अगर ये टॉपिक डिलीट हो गया और गलती से दे रहा हूं तो चेक कर लेना, चेक कर लेना, हो सकता है मेरे से गलती हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 16 का जो और वाला पार्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दो पार्ट्स हैं, दोनों में एक में पार्शियल लगेगी सब्स्टिट्यूशन वाली और एक में वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली। अगर ये एक्सरसाइज वीकनेस है तो मैं आपको बता रहा हूं आगे वीडियो मत देखो, पहले इस एक्सरसाइज को करो। रिकॉर्डेड में भी मैंने 2 टेक्स में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, मुझे भी टाइम लगा था ये एक्सरसाइज करने में। इजी है, बोरिंग है, बट फाइनल आंसर में दिक्कत देती है। अगला क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूं 18 और 19, वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। रिवीजन का टाइम है, दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी एक्सरसाइज वाइज मत करना। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का करो, एक सेकंड का करो, एक थर्ड का करो, दैट्स इट। अगले दिन एक फर्स्ट का, एक सेकंड का, एक थर्ड का, एक फोर्थ का, हर एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करते चलो। डिफरेंशियल इक्वेशन का 18वां क्वेश्चन भी और 19वां क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। अगला आता है वेक्टर्स। अगर क्वेश्चन नंबर 20 में, अगर क्वेश्चन नंबर 20 में प्रॉब्लम आ रही है तो वेक्टर्स की 10.3 अभी के अभी खत्म करो, पहले 10.3 खत्म करो, बल्ले बल्ले हो जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप लोग देख रहे हो तो 21 बोलने वालों को, बच्चों को मैं जरूर बोलूंगा हफ्ते में एक दिन करो लाइंस की पूरी एक्सरसाइज, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म समझ आ जाएगी। उससे अगले हफ्ते करो प्लेन्स की पूरी एक्सरसाइज, उससे अगले हफ्ते करो मिसलिनियस, फिर उससे अगले हफ्ते करो लाइंस, फिर उससे अगले हफ्ते करो प्लेन्स, फिर उससे अगले हफ्ते करो लाइंस और प्लेन्स मिक्स, तो 3D तुम्हें दिक्कत नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोबेबिलिटी अगर एक बार कर लिया है, अगर प्रोबेबिलिटी एक बार कर लिया है तो प्रोबेबिलिटी की जो जो एक्सरसाइज आ रही है उस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन, अगली एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन डेली करो जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 23 मैट्रिसेस का है, सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड वाला, इसको एंड के लिए मत छोड़ना, हफ्ते में एक क्वेश्चन जरूर करना। और जीवन में सुखी रहने के लिए क्वेश्चन नंबर 24 मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन डेली करो, एक क्वेश्चन डेली करना ही करना है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 में यूजिंग इंटीग्रेशन वाले में एक बात याद रख लेना, AOI का एक क्वेश्चन डेली करो जिस भी दिन ये वीडियो आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26 इंटीग्रेशन अगर तुमने करी होगी तो अब तक 2 बार कर ली होगी, अब अगर इंटीग्रेशन करो तो एक बात का ध्यान रखना, हर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 26 NCERT बेस्ड है। उसके बाद जो मैं आगे देख पा रहा हूं 27वां प्लेन्स का क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन वाला बता चुका हूं। 28वां क्वेश्चन LPP का है, LPP में आपको एक क्वेश्चन डेली करना चाहिए, जब भी ये वीडियो रिलीज हो रही है एक क्वेश्चन LPP का जरूर करो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वही प्रोबेबिलिटी की टेक्निक मैं बता चुका हूं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, अब तुम खुद देख लो कि तुम्हारा क्या लेवल है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, अगर ये चारों एंगल्स कवर्ड है तो तुम्हारे 100% नंबर आएंगे। बहुत जल्दी हम किसी और साल का पेपर बोर्ड का आपके साथ डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।